दिन बारे सरकारी हस्पताल विच सेहत सहूलतां ना मिलण अते एसएमओ दे घटिया वतीरे तों जिथे आम लोग परेशान हन उत्थे ही मोतवर लोगों नूं भी खज्जल खुआर होना पै रहा है। मामला यह है कि अज दिन बारे सरकारी हस्पताल विच मौजूदा कौंसलर अपनी पत्नी नूं लैके गए तो हस्पताल के हालात देख के हक्के बक्के रह गए, क्योंकि हस्पताल के अंदर ना तो कोई परची कटण वाला सी अते ना ही कोई मरीजां नूं देखण वाला सी। इस मौके पर कौंसलर संदीप शर्मा ने मीडिया नूं बुलाया। इस मौके पर कांग्रेस के यूथ आगू जसविंदर भी पहुँच गए। मैं सर हॉस्पिटल के आया गया, इतने बहुत ही माड़े हालात ने, तुम जाके चैक कर सकते हो, तुम जाके मेरे नाल अंदर चलो, मैं तुम्हें सारा कुछ दिखा देना गा जी। तो मैं सवेरे अपने लगभग हुणे 9 बजे आया सीगा सवेरे जी, तो मैं डॉक्टर साहब नूं मिलिया, मैं क्या मैं करके अपने पेशेंट नूं दिखाउणा गा, तो मैं पर्ची कटवाउणी आ, तो मैनूं कहिंदे वी इत्थे साडे लई कोई कोई मुलाजम नहीं हैगा ना ही कोई डॉक्टर हैगा, तो SMO साहब इत्थे ही सीगे। पर्ची कटण वाला हैगा सी? नहीं, कोई नहीं सीगा, उत्थे बंद सीगा बिल्कुल। तो SMO साहब कहिंदे वी साडे लई कोई डॉक्टर नहीं हैगा ना साडे लई कोई मुलाजम, असी परची नहीं कट सकते हजे, असी इलैक्शन का काम कर रहे हैं। तो मैं क्या भी ये जरूरी है सर, भी दिक्कत हैगी आ, तो वो कहते नहीं तुम हजे बैठो, कहते एक घंटा सानू पहला अपना इलैक्शन का काम कर लैन दो, उदू बाद चैक करांगे जी। मैं अपनी वाइफ में लेके गया सीगा जी। हाँ, वो बहुत पेशेंट है, बहुत ज़्यादा है जी, देखो जाके किन्ने बैठे है जी, देखो। तो एक प्रैगनेंट सी लेडी बेचारी, वो दर्द भी हो रहा है, तो मैं उन्होंने बारे भी उन्होंने कहा, मैं क्या भी आ बेचारे उन्हें कहते नहीं अभी बाद देखा, मतलब भी बेगौरी, इन्नी बेगौरी बहुत ज़्यादा। मैं तो MC हैगा, मैं कौंसलर हैगा जी इतों दिड़बे तो, जो मेरे नाल हो रहा है, जिहड़े आम पब्लिक आउंदी हो उन्हां नाल की हुंदा होगा जी। तो SMO साहब नाल गल हुई आ, तो उन्होंने तो बोलना भी नहीं पता है भी किवें बोलना, तू तू कह के मैं सर सर करके गल कर रहा, तू 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 की हुंदा गा जी, बिल्कुल भी नहीं उन्होंने तमीज हैगी बोलण दी। मंग तो ऐ भी SMO साहब तो पहले तो कार्रवाई होनी चाहिए, कि उन्होंने बोलने भी नहीं पता है, मैं साइन करवाउण गया, मैंने कहना 10 मिनट रुक जा, एक ही मतलब है जी 10 मिनट रुक जा। असी यार कौंसलर आ गए, असी तो है, चलो होर भी आम जनता उन्होंने की व्यवहार करते हो, बहुत माड़ी गल है जी उन्होंने वास्ते। किसी तरह का कोई सेहत सहूलत का कोई बिल्कुल नहीं जी, जाके अपना तुम्हें अंदर चैक करवा देना जी, मैं गद्दे पाटे पे है उत्थे, कोई किसी को पुछ रहा नहीं, बाथरूम में सफाई जाके देख लो, वो पिछे इन्ना सुखा होया पाया उत्थे, सप्प गोहां इन्नियां फिर दियां गए उत्थे जी। तुसी आप मेरे नाल चलो जी, सारा तुहानू सामने आ जाऊगा, तुहाडे बिल्कुल कुछ नहीं हैगा उत्थे, जिहड़े मुलाजम उत्थे बैग पैक कर रहे हैगे डॉक्टर, वो पैक पैकिंग करन वास्ते रखे हैगे, मरीजां नू चैक करन, वो इह दा कम कोई होर भी कर लूगा कोविड वाला। तां ड्यूटी दे डॉक्टर आउंदे सारे सही? मेरे जो मैं गया जी तो उरे तक कोई नहीं है, मैं आया कोई भी नहीं जी इतने। अज मैं दिड़बे तो कई फोन आए थे जी हस्पताल के रिगार्डिंग, इतने सवेरे एक लेडी सी जी की डिलीवरी होनी सी, वह भी इतने घंटा तड़फ के चली गई, डॉक्टर इतने कोई आता नहीं, और जोड़े परची कट्ट वाले थे उन्होंने अंदर इन्ना एटीट्यूड है कि मैं साढ़े MC साहब साढ़े नगर कौंसल के वाइस प्रधान संदीप शर्मा जी इतने पहुंचे हुए थे, उन्होंने खुद का काम सगा इतने, तो डॉक्टर परची कट्टन तैयार नहीं, और तुसी आप ही देखिया कि डॉक्टर का बिहेवियर, डॉक्टर की बोलबाणी इन्नी माड़ी है कि मरीज इतने आने तो पहला ही मर जाता है। आ स्टाफ खड़ा, स्टाफ की दिक्कत तुहाडे सामने आई है कि स्टाफ नूं भी यह चज नाल डील नहीं करते। तो मैं अज डॉक्टर साहब को इस वास्ते आया से SMO साहब को, कि जेकर तुहाडे कोल डॉक्टर की कमी है तो तुम लिख के दिओ सरकार नूं, क्योंकि सरकार तो पहले ही रौला पाउंदी है हस्पताल का, पढ़ाई का, जे थोड़ा मेन मुद्दा ही हल नहीं कर रहे तो तुम लिख के दिओ, जे नहीं लिख के तो हस्पताल में बंद करो। तो मैं अज सारी दड़बे की कमेटी को कहा गा, आने वाले एक दिन अभी हस्पताल में जिंदा मार देंगे, जिते इतने असं किसी इलाज ही नहीं करना, इतने की आस लैके जोड़ा मरीज इतने चल के आता वो सीधा संगरूर पहुँच जू, करना तो रेफरी है इन्होंने, तो इलाज तो इन्होंने किसी का करना ही कोई नहीं। आ हूँ तुम देख लो इलैक्शन वास्ते सारा कुछ कर रहे हैं, कि डॉक्टर का काम है इलैक्शन का काम करना, आ इलैक्शन के वास्ते आ देखो झोले भरे पे ने इतने, इलैक्शन का काम सरकार किसी होर मुलाजमान तो लवे ना कि डॉक्टर तो लवे। सवेरे साढ़े MC साहब नूं यह गल भी कही गई है कि साढ़े लिए इलैक्शन का काम जरूरी है, मरीज आया वो बाद च देखना सी ने, यह गल भी SMO ने इतों कही गई है। सो इस करके मैं इतने मजबूर ने इतने आना पिया। सो मैं तो सरकार नूं भी यह अपील करदा कि इस तरह का जलूस कढ़न नालों चंगा तुसीं हस्पताल बंद कर दो। जब इस बारे दिड़बा दे SMO बलविंदर नाल गलबात की तो उन्हों का कहना है कि मैं तो मेरा स्टाफ चोणों के संबंध में रुझिया होया है, बाकी स्टाफ की घाट है। चौहान साहब के कोई बंद ने फ्री अल्ट्रासाउंड की मोहर लगानी थी, तो मैं उस मुंडे को कहा बैठ 2 मिनट बैठ, तो जो मैं इन ग्राउंड भेजा तो मुंडा चो बार चल गया, तो कुछ चिर बाद प्रेस रिपोर्टर ले आए, तो उन्होंने नाल एक होर बंदे थे, जिमें कि तुम्हें पता है भी जी संगरूर की बायो इलैक्शन होनी है, तो वो जे दिड़बे के हल्के बायोमेडिकल वेस्ट न संबंधित समान है जोड़ा कि वोटों के वरत्या जाऊगा,
सारा हस्पताल जिहड़ा है उहदे विच लग्या होया गा। दूसरी ये है भी हस्पताल दे विच स्टाफ की पूरी घाट हैगी आ, जिस दे प्रति असीं उच्च अधिकारियों नूं बार बार लिख रहे हैं ते जिस तरह ही आउणगे स्टाफ आऊगा ते असीं जिहड़ियां सहूलतां जिहड़ियां नूं होर नूं अच्छियां बनाउण दी कोशिश करांगे। तो कुछ जिहड़ा साडा हॉस्पिटल का स्टाफ हैगा उन्हां दी ड्यूटियां एसडीएम दफ्तर वल्लों इलैक्शन दे विच लाईआं होईआं, जिहदे विच स्टाफ की बहुत होर घाट हैगी आ, जिहदे करके ਜਿਹੜੇ ਰੂਟੀਨ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ।